मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीजिए सर पर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के वाणिज्य वाणिज्य का। देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक सीट पेपर का जो डिस्कशन ऑलरेडी आप लोग के साथ कर रखा, मैंने और भी पेपर का डिस्कशन किया हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं अभी इस सत्र में जो है मैं आप लोग को एक सेट जो है डिस्कशन कर दिया है मैंने। अब देखिए सेकेंड सेट की मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है और याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। ये मेरी एक शर्त आप लोग को माननी है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे खुद भी लाभ उठाइए और अपने क्लासमेट पर जो बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में उन पर भी इनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें जब मिले डिस्कशन तो उसको शेयरिंग जरूर करना चाहिए, तो उसको सभी लोगों से उसको उसे लाभान्वित कीजिए और शिक्षा की चीजें तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को शेयर करना चाहिए। देखिए और भी कई प्रश्नों की श्रृंखला, देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोग का डिस्कशन, आप जान रहे हैं कि ओएमआर शीट पर मैक्सिमम चीजें मिल रही है, तो चीजें यहाँ पर थोड़ा देखिए उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक अधिविकर्ष है, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस जो बैंक अधिविकर्ष होता है उसे हम लोग चालू दायित्व में रखते हैं, ठीक है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खाता है, पूंजी खाता, आहरण खाता, मशीन खाता, इनमें से कोई नहीं। देखिए मशीन खाता जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिमय विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, तो देखिए ये लिखा जाता है लेनदार के द्वारा, किसके द्वारा लिखा जाता है, लेनदार इसको लिखता है, ठीक है ना। चौथा देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, 500 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो देखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण नोटबंदी वाली बात है, 8 नवंबर 2016 को, कब हुआ था 8 नवंबर 2016 का जो है 500 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है ना। नोटबंदी की जो घटना सुनने को मिली थी ना, बहुत ही खतरनाक घटना थी वो भी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, बुनाए गए विपत्रों पर दायित्व है, स्थायी दायित्व है, चालू दायित्व है, संभाव्य दायित्व है, इनमें से कोई नहीं। तो बुनाए गए विपत्रों पर जो दायित्व होता है उसे हम लोग संभाव्य दायित्व में रखते हैं। इसके अथवा देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बैंक भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है, देखिए हम लोग बोलते हैं उसे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, ये पंजाब नेशनल बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल किया गया है। चलिए अब ये तो बात हो गई आप लोग के बहुत ही प्रश्नों की श्रृंखला की, अब अति लघु को देख लिया जाता है, तो अति लघु की ये देखिए प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए यहाँ से आप लोग और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ये स्क्रीन शॉट मार के इन प्रश्नों को रख लीजिएगा और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है उसका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें जाकर अपने राय जरूर रखिएगा। शुद्ध लाभ ज्ञात करने हेतु कौन सा खाता बनाया जाता है, ये देखिए प्रश्न है आपका, स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुआ था, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, भारत में वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री का नाम, सकल लाभ प्राप्त करने में कौन सा खाता, कंप्यूटर का विस्तार के बाद वर्तमान वित्त मंत्री का नाम, बैंकों में जमा धन पूंजी या टिप्पणी कीजिए, तो अथवा में ये या तो ये करना है, ठीक है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, थोड़ा लघुतरी प्रश्नों की सीरीज की ओर से प्रश्न शामिल किया गया, किन्हीं चार निजी बैंकों के नाम लिखना है, कंप्यूटर के चार प्रमुख उपयोग की बात हो गई, व्यवसाय के मध्य प्रयोग किन्हीं चार समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के नाम लिखना है, खड़ी नस्तिक्र पलकारी की चार विशेषताएं बताना है, चेक के नादरण के किन्हीं चार कारणों का उल्लेख करना है, तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न है अथवा भी करके प्रश्न दिया गया है आप लोगों का, या तो इनको कर लीजिए या तो इनको देख लीजिए तैयार कर लीजिए। एक तरीके से देखा जाए तो मैं दो दो सेट आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, दो दो प्रश्नों के पेपर के सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखिए डाटा दिया गया, इसके बेस पर यहाँ पर कुछ जनरल प्रविष्टि करना है, प्रदान की जाने वाले किन्हीं चार सेवाओं का वर्णन कीजिए, पांचवा में देखिए डाटा दिया गया है, इस डाटा के बेस पर जो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको करना है ना, तलपट बनाना है इसके बेस पर, इसे तैयार कर लीजिएगा और यहाँ देशी बैंकर से काम हो गया क्या क्या है कैसे है, इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है डिस्टेंस तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस पर जाकर अपने विचार जरूर रखा करें। सातवें प्रश्न को देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस ये है आप लोगों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा का पूरा आप लोग को दिख रहा है और ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखिए इस पर भी लिखना है आप लोग को, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आंसर की बात हो गई इनको भी तैयार कर लीजिए अथवा में, ठीक है। तो इस तरीके से था ये पेपर डिस्कशन आज का महत्वपूर्ण पर, आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा।